एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित लाड़पुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर है। लगभग 9000 की आबादी व 3150 वोटरों द्वारा सुरेश चंद्र को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 666 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 185 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 200 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शमशान घाट, बारात घर, पंचायत घर, कन्या इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान सुरेश चंद, ग्राम पंचायत लाड़पुर, तहसील हाथरस, ब्लॉक हाथरस, जिला हाथरस, जो हमने 16-17 में जो कार्य कराए हैं, इंटरलॉकिंग नाली, करीब दो नालियां बनवाई हैं और करीब 13-14 रास्ते इंटरलॉकिंग कराए हैं और दो नल रिबोर कराए हैं और नलों की रिपेयरिंग कराई है और शासन से यही उम्मीद है कि हमको जैसे पैसा मिले हम ज़्यादा से ज़्यादा हम गांव का विकास कराएं और हमारे गांव में पानी निकासी के लिए नाला नहीं है और हमारे गांव में कोई कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज नहीं है और हमको पानी के लिए वो हेडपम्प हमको चाहिए, हेडपम्प की आवश्यकता है और हमारे गांव में जो वृद्धा पेंशन हैं और विकलांग पेंशन हैं वो बहुत लोग वंचित रह गए, उनकी पेंशन बननी चाहिए, शेष रह गए हैं वो राशन नहीं बन पाए हैं और जनता हमसे आकर के शिकायत करती है और शमशान घाट चाहिए हमको, और सरकारी बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, पंचायत घर चाहिए, बारात घर नहीं है हमारे यहाँ, तो शासन से हमें उम्मीद है कि हमको पैसा अधिक से अधिक पैसा दें जो कि हम गांव का विकास करा सकें।